भावनगरना दशेराना महादिवसे क्षत्रिय समाज द्वारा मोटी बाइक रेली काढ़ी ने एवी स्कूल ना मैदान में शस्त्र पूजा करवामां आवी हती। तो दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण आ समाज द्वारा एटले के क्षत्रिय समाज द्वारा चित्रा मंदिर थी शहर ना राज मार्गो पर बाइक रेली काढ़ी एवी स्कूल ना मैदान में पहुंची हती, जहां समाज द्वारा शस्त्र नी पूजा विधि करवामां आवी हती। परंतु आ वर्षे पूजन विधि में राजकीय रंग देखायो हतो। मुख्य अतिथि तरीके राजस्थान ना अपक्ष उम्मीदवार ने समाज ना युवा नेता रविन्द्र भाटी ने बोलावामां आव्या हता, ज्यां तेओए पण पूजा विधि करी हती अने जणाव्युं हतुं के अमे मुंहतोड़ जवाब आपीशुं, राजस्थान के गुजरात ज नहीं परंतु मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ज्यां ज्यां अमारी वस्ती अभिवादन आप्या हता ने सौनी मनोकामना पूर्ण थाय तेवी प्रार्थना करी हती। भाइयों ने आप जेटला पण चैनल छो आ बधाना दर्शकों ने मारा जय माताजी मारा प्रणाम। विजयादशमी दशहरा शुभ इच्छाओ शुभकामनाओं माँ खोडियारथी अने माँ चामुंडाथी ज प्रार्थना कि आप सौनी मनोकामना पूरी थाय अने आ दिवस आ पवित्र दिवस ने आजे वधारे एक अलग लेवल पर लई जवा माटे मारा समाज ना युवानो भगीरथ भाई एमनी समग्र टीम नो आभारी छूं अने साथे साथे शीओ राजस्थान थी आपणा युवान नेता फक्त क्षत्रिय समाज नहीं पण अन्य तमाम समाज जेने सहकार आप्यो छे सपोर्ट आप्यो छे हवे रविन्द्रभाई भाटीनुं पण अमे स्वागत कर्युं अहींया अने गर्व छे समाज माटे के आवा युवानो छे अने मारी इच्छा छे कि जेटला पण युवानो आजना शुभ कार्यक्रममां जोड़ाया छे ए रविन्द्रभाईथी प्रेरणा ले અને એમના માર્ગદર્શન પર પ્રમાણે ચાલે। એ જરૂર છે અજીતભાઈ અત્યારે સમાજને એટલે કીધું સીધા અર્થમાં લક્ષ્મણ બનો વિભીષણ બનો એમાં વધારે વિચારવાની જરૂર નથી। હું સમજી ગયો આપ શું વિચારો છો પણ એ વિચારવાની જરૂર નથી। બહુ સારું લાગ્યું જ્યારે ભાટી સાહેબ વાત કરી અને જેટલા પણ મીડિયાના ભાઈઓ આ કાર્યક્રમમાં સ્ટાર્ટિંગથી હશો ઇન્દ્ર વિજયભાઈએ બહુ સારી વાત કરી હતી કે આપણે જ્યારે ક્ષત્રિય ધર્મની વાત કરીએ ત્યારે પ્રજાવત્સલ્ય મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીની વાત કરીએ, જેમને મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી પણ પૂજતા હતા ભગવાન શ્રી રામને, જ્યારે આજે અમે બધા પૂજે છે એક સૂર્યવંશી રાજપૂત રાજાને જ્યારે યાદ રાખીએ છીએ ત્યારે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ સાચું ક્ષત્રિય ધર્મ। એ ક્ષત્રિય ધર્મમાં તમામ ધર્મ તમામ નાતિ તમામ લોકોને સાથે લઈ જવાનું સાથે ચાલવાનું એ ક્ષત્રિય ધર્મ કહેવાય। ક્ષત્રિય ધર્મ અત્યાચારનો ધર્મ નથી અને જે વ્યક્તિ અત્યાચાર કરે કોઈની ઉપર કોઈ સમાજ ઉપર કોઈ શહેર જિલ્લા ઉપર જે સાચો ક્ષત્રિય હોય એ સામે આવશે। आज वाकई भावनगर में बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और मैं सफल आयोजन की खूब खूब बधाई देता हूँ। मैं पहली बार भावनगर आया हूँ और युवराज साहब ने और यहाँ के समस्त युवा साथियों ने जो ये आयोजन रखा है मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आप अपक्ष उम्मीदवार हैं राजस्थान से बहुत मिल से जीते हैं, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी है अभी यहाँ पर शासक इनकी तरफ से समाज को नज़रअंदाज किया जाता है, आपका क्या कहना है? आने वाले समय में मुँह तोड़ जवाब देंगे और जाहिर सी बात है कि न सिर्फ गुजरात में साथ ही साथ राजस्थान है मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश है हिमाचल है उत्तराखंड है और जहाँ जहाँ पे भी है हमारे लोग हैं अगर किसी को नज़रअंदाज किया गया तो जाहिर सी बात है सूद समेत हिसाब लेंगे उनसे। सर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में क्षत्रिय समाज का समूह बहुत बड़ा है, मतदान इतना बड़ा है, क्या ऐसा किया जाए कि क्षत्रिय समाज की नोंद ली जाए? देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्षत्रिय समाज जहाँ कहीं पे भी रहा है उनका हमेशा एक छत्तीसी कौम का साथ उनके साथ हमेशा रहा है और जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में भी अगर कोई भी सरकार अगर आती है तो वो क्षत्रिय समाज के साथ और सहयोग के साथ ही आती है और क्षत्रिय सहयोग मैं क्षत्रिय समाज की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्षत्रिय का मतलब भी छत्तीसी कौम के साथ में लेके चलने वाला होता है। सर ऐसा अभी अब तक परिणाम आया है कि समाज का समूह होना चाहिए संगठन हो जाए कहीं कहीं ना कहीं एंड टाइम आता है वहाँ पर टूट जाता है, क्या नहीं बिल्कुल सब एक साथ हैं एकजुट हैं और जब कभी भी ज़रूरत रहती है हम सब न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हर जगह जहाँ पे भी हमारे लोग हैं हम सब एक हैं और मजबूती से छत्तीसगढ़ कौम के लिए हमेशा लड़ते आए और आने वाले समय में भी जहाँ कहीं पे जरूरत रहेगी लड़ेंगे। आज विजयादशमी का अवसर है और मैं आप सभी के माध्यम से पूरे प्रदेश को विजयादशमी की खूब खूब बधाई देता हूँ।